नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर में अनाधिकृत प्रवेश और पेड़ा बेचने पर सात के खिलाफ केस, बलपूर्वक लगा रही थी दुकान। नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अनाधिकृत प्रवेश करने और बलपूर्वक लाल पेड़ा बेचने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराए हैं। चौक पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने बताया कि मंदिर प्रशासन की अनुमति से परिसर में महादेव लाल पेड़ा पंडाल के नाम से लाल पेड़ा बेचा जाता था। गत 21 अगस्त को उक्त दुकान को बंद करने के लिए नोटिस दिया गया था। मंदिर परिसर से 31 अगस्त तक दुकान हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन भी करा लिया गया था। इसी बीच 18 अक्टूबर की सुबह 8:15 पर अंकित सिंह और उसके भाई, अपने सहयोगी रवि यादव, दिनेश सिंह, आशुतोष यादव, राकेश धीरज दुबे व अमन गोड की मदद से जबरन लाल पेड़ा लेकर आए तथा बलपूर्वक तोड़फोड़ करते हुए शंकराचार्य चौक में दुकान लगाई। हेल्प डेस्क कर्मियों के मना करने पर भी ना तो काउंटर हटाए, ना पेड़ा बेचना बंद किया। चौक पुलिस केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। सुगम दर्शन में प्रसाद वैकल्पिक 250 रुपए में ले सकेंगे टिकट। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन के लिए अब 250 रुपए में टिकट लिया जा सकेगा। पहले इसके लिए 300 रुपए शुल्क था। नई व्यवस्था के तहत प्रसाद वैकल्पिक कर दिया गया है। जो श्रद्धालु प्रसाद लेना चाहेंगे उसका अलग से शुल्क टिकट में जुड़ जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के अनुसार सुगम दर्शन के टिकट शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ प्रसाद का शुल्क अलग किया गया है, जो श्रद्धालुओं की इच्छा पर निर्भर होगा। बाबा विश्वनाथ की रसोई से संस्कृत विद्यालयों और अस्पतालों में भेजा जाएगा भोग प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 20 अक्टूबर को काशी में सिग्रा स्टेडियम से 6611.18 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा संस्कृत विद्यालयों के बच्चों व अस्पतालों में तीमारदारों के लिए दोपहर का निःशुल्क भोजन व्यवस्था का भी शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 5,000 लोगों तक भोजन पहुँचाया जाएगा। मांग के अनुसार इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। मंदिर न्यास ने शुक्रवार को निःशुल्क भोजन वितरण व्यवस्था का परीक्षण कर लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।